चिड़ावा से बड़ी खबर, 100 रुपए की बात पर हो गई चाकूबाजी। नेपाली युवक ने चिड़ावा के एक व्यक्ति पर किया हमला। हमले में बाल बाल बचा खटिकान मोहल्ले का बुद्रहम। चाकूबाजी की घटना पर मोहल्ले के लोगों ने की धुनाई, नेपाली युवकों की कर डाली धुनाई। गंभीर हालत में नेपाली युवकों को किया झुंझुनू रेफर। जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। चिड़ावा में बीती रात को चाकूबाजी की घटना हो गई। चाकूबाजी की घटना के बाद हमला करने वाले युवक और उसके साथी की मोहल्ले के लोगों ने पिटाई कर डाली, जिन्हें झुंझुनू रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 5 खटिकान मोहल्ले के रहने वाले बुद्राम और सिलीगुड़ी निवासी के बीच 100 रुपए का लेन देन बाकी चल रहा था। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि दोनों नेपाली शराब के नशे में आए और बुद्राम से 100 रुपए मांगे। बुद्राम ने पैसे बाद में देने की बात कही तो उनमें से एक जने ने बुद्राम पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन बुद्राम बच गया और चाकू उसके हाथ पर लगकर रह गया। यह वारदात जब पास पड़ोस के लोगों ने देखी तो उन्होंने दोनों नेपालियों को पकड़कर धुनाई कर डाली। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर दोनों नेपाली युवकों को झुंझुनू रेफर किया गया है। वहीं पुलिस भी रात भर इलाके में गश्त करती रही। सूत्रों की माने तो रात 9 बजे तक दोनों पक्षों में से किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। दोवे में बुद्राम के पास मैं खड़ा था, फिर ये लड़का इधर से आया था। कौन लड़का है? नेपाली। तो ये ठेके में से शराब पीकर आया, फिर वो बोला कि मेरे को पैसे दो, मेरे कल ले लेना तुम पैसे, तू कहे का झगड़ा करता है। वो गया नहीं, फिर वो अब भतीजा आया ना उसके पास में, तो भी फिर उसने पीछे से चाकू ले रखा था पीछे की साइड में, फिर वो पीछे से मैं फिर वो दोबारा इधर आया ना तो बुद्राम तो उसके पास चाकू निकाल कर उसके घसोसने की कोशिश की, फिर ये मैं उधर चाकू है इसके, फिर वो पीछे हट गया, फिर हाथ कट गया उसका। चाकू हाथ पे लगा गया? हाँ, हाथ के लगा। अगर मैं नहीं बोलता ना तो उसके पेट में जाता वो चाकू। कितने पैसे का मामला था? हैं? 100 रुपए का मामला था। मैं बोला कि 100 रुपए कल ले जाना तुम। ये मारने वाले कौन थे? मारने वाले नेपाली। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। कहाँ रहते हैं? ये यहीं पर ही रहते हैं, मोहल्ले में। किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे। काम क्या करते हैं? यही कोई बर्तन वर्तन से बोतल में ऐसे काम करते हैं। जिसके चाकू मारने की कोशिश की वो कौन थे? वो बुद्राम था। बुद्राम वो क्या करते? वो घर पर रहता है। काम क्या करते हैं वो? वो काम ठेकेदारी का काम करता है वो। ये उनके पास काम करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उनके पास नहीं, कभी चला जाता है, कभी वो ठेके के ऊपर चला जाता है, फिर 100 रुपए मांगता था, फिर मैं बोला कि नहीं नहीं चाकू फिर ले लेना तुम। शहर में कल शाम गोशाला रोड पर श्योरण गेस्ट हाउस के पास कचरा पात्र में नंदी महाराज ने सर फंसा लिया। कचरा पात्र में जंग लगने से एक साइड में बड़ा छेद होने से नंदी महाराज का सर कचरा पात्र में फंस गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद गोरक्षा दल व नगर पालिका कर्मचारियों ने अलग करवाया। सूचना मिलने पर गोरक्षा दल के कार्यकर्ता अभिषेक पारिक व बाबू सिंह राज पुरोहित मौके पर पहुंचे और नगर पालिका SI नरेंद्र सिंह शेखावत को मौके पर बुलाया। उसके बाद गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं व नगर पालिका कर्मचारियों ने मिलजुल कर बड़ी मशक्कत के साथ नंदी महाराज को सुरक्षित कचरा पात्र से अलग करवाया। कुछ देर बाद ही नगर पालिका ने इस कचरा पात्र को बदलवा दिया। शहर में कृष्णा ग्रेटर फार्म हाउस के पास एक नंदी महाराज घायल अवस्था में थे। नंदी महाराज पर अज्ञात व्यक्ति ने किसी धारदार हथियार से वार किया हुआ था। सूचना मिलने पर चिड़ावा गोरक्षा दल टीम मौके पर पहुंची और नंदी महाराज का इलाज किया। गोरक्षा दल के अभिषेक पारिक ने बताया कि नंदी महाराज पर कुछ दिनों पहले का यह वार किया हुआ है, जिसे नंदी महाराज काफी पीड़ा में थे। सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ पर पहुंचे और नंदी महाराज का इलाज किया गया। कोई अभी एक हमारे पास फोन आया था कि कोई किसी नंदी ने वो घायल कर दिया किसी ने,
मौके पर आके देखा तो इसको कोई धारदार हथियार से काफ़ी दूर तक इसको घाव है और अभी उपचार कर दिया गया है। चिड़ाव रक्षा दल की टीम जो थी मौके पर पहुँच के इसका उपचार जो हमने किया है और अभी इसको नंदी सवा ले जाएंगे। कितने दिन हो गए? गाँव तो काफ़ी पुराना है, अभी जैसे शहर में अभी आया तो लोगों को अभी दिखाई दिया है। लापरवाही ने की गोवंश की हत्या। बिजली विभाग की लापरवाही ने ले ली एक गोवंश की जान। शहर में देर रात करंट लगने से एक गोवंश की मौत हो गई। दरअसल शहर में रानी शक्ति मंदिर के सामने खुले ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ने से गोवंश की मौत हो गई। गोरक्षकों ने आरोप लगाया कि बारिश के समय तो खुले ट्रांसफार्मर विभाग को रखने ही नहीं चाहिए, इससे बड़ा हादसा होने की भी आशंका रहती है। खुला ट्रांसफार्मर होने से तारों में करंट दौड़ गया, वहीं गोवंश के तार के संपर्क में आते ही गोवंश में करंट दौड़ने से गोवंश की मौत हो गई। गोरक्षकों ने एरिए की लाइट कटवा कर गोवंश को तार से अलग किया। अभिषेक पारिक ने मौके से ही बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन कर पूरी जानकारी दी। घटना तकरीबन रात 12 बजे के आसपास की है। आपको बता देते हैं कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बिजली विभाग में इस ट्रांसफार्मर की शिकायत भी कर रखी है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ट्रांसफार्मर की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते यह हादसा हो